हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये पेपर है, ये पेपर आपका उड़ीसा का है। उड़ीसा सर्विस सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन ने सीजीएल का जो स्टेट सीजीएल का एग्ज़ाम है 2024 का, ये कंडक्ट कराया है और ये एग्ज़ाम हुआ है 23 जून को, ठीक है। और इस पेपर के अंदर कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये पेपर जो है इसका पीडीएफ आप ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है मैंने, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हम इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर इसके करंट अफेयर के सेक्शंस को और कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं या जीएस वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इज़ इंडियाज फर्स्ट लार्जेस्ट फैसिलिटी फॉर वेट लिफ्टिंग कमिंग अप, दैट इज़ गंजनम। दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हु वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट केन्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023-24 फॉर एक्टिंग इन द फिल्म द शेमलेस रॉयल सेक्शन। सो सेकेंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अनसुईया सेन गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, नियोमी ओसाका फेमस टेनिस प्लेयर रिटर्न टू WTA टूर आफ्टर अ ब्रेक इन जनवरी 2024, व्हाई डिड शी टेक द ब्रेक, बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यू, ऑप्शन नंबर बी यहां पर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन जून 2024 में मनोज आठवें क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मनोज पांडे, ठीक है। ये रिटायर हो रहे थे मई 31 को, बट इनका एक महीने का कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया गया था, तो जून में यही है। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, दैट इज़ अशरफ अली जरदारी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फिलिस्तीनियन प्रेसिडेंट डिक्लेयर हिज रेजिग्नेशन एंड इन फरवरी एंड लेड डाउन ऑफिस ऑन 31 मार्च 2024, व्हाट इज़ हिज नेम, ये कौन है। टेंथ क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद सत्ते, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, अमीन सयानी डाइड इन फरवरी 2024, इन विच फील्ड डिड ही अर्न हिज फेम, इन द रेडियो अनाउंसमेंट। मनोहर जोशी डाइड इन 2024 फरवरी, विच पीरियड ही इज अ ग्रेट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, 2002 से 2004 के बीच में थे। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है यहाँ पर, अभी तुषार मेहता है। हु इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर, ये सिंगापुर के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है, वो हैं लॉरेंस वोंग। एलिस मुनरो डाइड इन मई 2024, इन विच फील्ड शी अर्न द फेम, ये लिटरेचर के फील्ड में इन्होंने नाम कमाया है। डायरेक्टर ऑफ ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट won the Grand Prix at Cannes Film Festival 2024. Who is the director of this particular film? तो इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं पायल कपाड़िया, ठीक है, पायल कपाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हमारा 7 है, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ CBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, चेयरमैन कौन है यहाँ पर अभी, तो यहाँ पर चेयरमैन हैं मधाबी बुरी बुच, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। न्यू लॉ रिप्लेसेस IPC, CRPC, IEA केम इन टू इफेक्टिव, कब से ये इफेक्टिव हुआ है, ये इफेक्टिव हुआ है 1 जुलाई 2024 से, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, रिजल्ट ऑफ वोट काउंटिंग इन विच इलेक्शन वॉज सेट असाइड बाई सुप्रीम कोर्ट फरवरी 2024, ये था आपका 15th क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर आंसर होगा इलेक्शन ऑफ मेयर ऑफ चंडीगढ़, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। साइक्लोन रिमल मेड लैंडफिल इन एंड में विच कंट्री वाज मोस्ट अफेक्टेड बाय रिमल, तो ये है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर ए होगा 16वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, विच इन इंडिया लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, वोटर पॉपुलेशन, ठीक है, 23rd की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मलकाजगिरी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 17,
हाउ मेनी MLAs आर इलेक्टेड फॉर उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली? तो 17वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 147. हु इज़ द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा? दैट इज प्रमोद सावंत. वट इज़ द नेम ऑफ स्लोवाकिया प्राइम मिनिस्टर? स्लोवाकिया प्राइम मिनिस्टर हु वॉज अटैच्ड इन मई 2024. सो 19th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट फिको. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. पापुआ न्यू गिनी वॉज अफेक्टेड बाई अ नेचुरल डिजास्टर इन मई 2024 रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ ओवर 1000. वट वॉज द नेशनल डिजास्टर? 24th का करेक्ट आंसर होगा लैंड स्लाइड. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है. इन आर्चरी वर्ल्ड कप हेल्ड रिसेंटली एट संघाई इंडियन वुमेन टीम वॉन गोल्ड मेडल. हु डिड दे डिफीट इन फाइनल? ठीक है, तो इन्होंने हराया है. 25वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर इटली को. इटली, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. अल्जेंद्रा रोड्रिज अ लॉयर एंड जर्नलिस्ट रिसेंटली वॉन टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स ब्रूनोस एरीज. हु वाज व्हाट वाज हर एज एट द टाइम ऑफ विनिंग दिस पर्टिकुलर टाइटल? सो 26 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 60 ईयर्स. ऑप्शन नंबर डी होगा यहां पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन का 20 नंबर क्वेश्चन. हु इज द चेयरमैन ऑफ DRDO एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट? समीर वी कामत. ऑप्शन नंबर ए यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा. हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR एंड सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी ऑफ DSIR? ठीक है, तो यहां पर 21 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज डॉक्टर एन कलेश वी. विच कोविड वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एडमिटेड UK कोड दैट वैक्सीन कैन रेयर कॉज ऑफ सम सिंड्रोम्स? सो यहाँ पर है एस्ट्रेजेनिका कोविशील्ड. ऑप्शन ए. 27 नंबर बायोपिक चमकीला वॉज मेड ऑन द लाइफ ऑफ अमर सिंह चमकीला. इन विच फील्ड Did late Mr. Amar Singh Chamkila earned his name? तो 27 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, दैट इज सिंगिंग. इन इंडिया सुपर लीग whom did उड़ीसा FC faces the semi-final in April 2024? सो 28 का करेक्ट आंसर होगा मोहन बेगन. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 29. Who is the captain of Kolkata Knight Riders in the IPL 2024? Shreyas Iyer. Option number A यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30. सो 30 में पूछा गया है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड ज्ञानपीठ पुरस्कार फॉर 2023. सो 30वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, बोथ गुलजार एंड रामभद्राचार्य. इंडियाज टॉप कार्गो हैंडलिंग पोर्ट 2023-24 दैट इज पारादीप पोर्ट. ऑप्शन ए यहाँ पर 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा. 32 की बात करते हैं. एज पर रिसेंट अमेंडमेंट मेड इन सेक्शन 14B ऑफ RPA हाउ मेनी क्वालिफाइज डेट हैव केम इनटू इफेक्ट इन प्लेस ऑफ वन क्वालिफाइंग डेट फॉर वोटर रजिस्ट्रेशन? सो 32 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, दैट इज 3. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 37 को देखते हैं पहले. 37 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे. व्हाट इज द टोटल इलेक्टोरल ऑफ उड़ीसा? ओके, तो ये लमसम ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. इन हाउ मेनी फेजेस जनरल इलेक्शन टू बी कंडक्टेड इन उड़ीसा? दैट इज इन 4 फेजेस. ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर. प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस पेड स्टेट विजिट टू इंडिया इन 2024 मार्च. व्हाट वाज हिज नेम? उनका नाम क्या था? तो यहाँ पर उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए. कोलकाता नाइट राइडर वॉन IPL टाइटल इन 2024. इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने हराया है सनराइजर हैदराबाद को. क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो यहाँ पर नेशनल वोटर्स डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये होता है 25 जनवरी को.
एज पर न्यू इनिशिएटिव ऑफ ईआईसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सीनियर सिटीजन अबव सर्टेन एज कैन वोट फ्रॉम होम. व्हाट इज द एज? सो 34 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अबव 85. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड 12 अल्टरनेटिव आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट इन प्लेस ऑफ वोटर आईडी कार्ड फॉर आइडेंटिफाइड इन पोलिंग बूथ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन अमंग देम. उनमें से कौन सा नहीं है, है ना? तो 35 की हम बात करते हैं, उनमें से ये नहीं है क्रेडिट कार्ड. ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ बूथ आर कवर्ड फॉर वेबकास्टिंग बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सो 36 का यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 60%. 60% दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ये हो गए आपके करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस. इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पे, जो कि आपके कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. ठीक है, 131 टू 150 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस ये हैं करंट अफेयर के, इन्हें भी देखते हैं हम साथ में. IPv4 इज अ, ये क्या है? एक ये है आपका 32 बिट्स है. ठीक है, 131 सी करेक्ट आंसर है. व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट और डिजाइन अ वेब पेज, दैट इज HTML. एन आइडेंटिफायर दैट सेंड और रिसीव इंफॉर्मेशन अक्रॉस द इंटरनेट इज कॉल्ड एज IP एड्रेस. फुल फॉर्म ऑफ NIC वो होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा 134 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द 135 नंबर क्वेश्चन. विच व्यू अलाउज टू मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर इन एक्सेस. तो 135 का करेक्ट आंसर होगा डिजाइन व्यू. विच की स्ट्रोक मूव्स द एक्टिव सेल टूवर्ड्स लेफ्ट इन एक्सेस टेबल. 136 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा शिफ्ट प्लस टैब. विच कॉम्बिनेशन ऑफ ए की जूम द कॉन्टेंट इन एक्टिव सेल इन एक्सेस टेबल. सो यहाँ पर होगा 137 का करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी शिफ्ट F2. ठीक है, नाउ कमिंग टू द 138 नंबर क्वेश्चन. इन MS एक्सेस फ्रॉम डायलॉग मे बी क्रिएटेड यूजिंग. तो 38 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्रिएट मोर फॉर्म एंड मॉडल डायलॉग. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर. टू ओपन द एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन प्रेस कंट्रोल ओ. ठीक है, 145. व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाईलाइट द एंटायर कॉलम इन एन एक्सेल. तो 145 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर कंट्रोल एंड स्पेस बार. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ओके 140 क्वेश्चन. द फाइल दैट कंसिस्ट ऑफ रेडीमेड स्टाइल दैट वी कैन ईजिली यूज फॉर अवर प्रेजेंटेशन इज नोन एज. 140 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा टेम्पलेट. ऑप्शन बी. इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इन ऑर्डर टू सी ऑल द स्लाइड्स ऑन वन साइड यूज. 141 का होगा यहाँ पर व्यू स्लाइड शॉर्टर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन. 146 की बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लैंडस्केप. कैन यू सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन MS वर्ल्ड डॉक्यूमेंट बाई कंट्रोल ए. ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर. हाउ कैन यू अप्लाई एग्जैक्टली द सेम फॉर्मेटिंग यू डिड टू अनदर टेक्स्ट इन MS वर्ल्ड 148 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी. सेलेक्ट द टेक्स्ट देन क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर एंड सेलेक्ट द न्यू टेक्स्ट. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 142 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन्यू कमांड टू रिकलर अ पिक्चर ऑन अ स्लाइड. 142 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेट पिक्चर एंड रिकलर. 143. हाउ कैन यू अपडेट द वैल्यूज ऑफ फार्मूला सेल इफ ऑटो कैलकुलेट मोड ऑफ एक्सेल इज डिसेबल्ड. 143 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी F9. हाउ कैन यू कन्वर्ट एग्जिस्टिंग एक्सेल वर्कशीट डाटा एंड चार्ट टू एन HTML डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग. 144 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट असिस्ट
असिस्टेंट विजार्ड। 149 नंबर क्वेश्चन, हाउ यूज योर कीबोर्ड इंस्टेड ऑफ द माउस टू सेलेक्ट टूल ऑन द रिबन। यू डिस्प्ले द की टिप्स बाय प्रेसिंग द अल्ट ऑल्ट की। इफ यू नीड टू चेंज द टाइप फेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच विल यू चूज, यू हैव टू चूज द फॉर्मेट। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, और ये पेपर था हमारा उड़ीसा एसएससी का, ओएसएससी सीजीएल 2024 के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है 2024 में, और 23rd ऑफ जून को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है, जिसके पेपर को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। यहाँ पे करंट अफेयर और कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर अटेम्प्ट किया है। ठीक है, एंड इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो और वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।